रहमतुल्लाहि व बरकातहू ये जो स्क्रीन पर आप लोग फ़ोटो देख रहे हैं चेहरे पर दाढ़ी है सर पर टोपी है कुर्ता पाजामा पहने हुए हैं इनका नाम है महबूब इनको न्यूज़ चैनल वाले नहीं दिखाएंगे। समझ रहे हैं क्यों क्योंकि अगर न्यूज़ चैनल वालों ने ये ख़बर दिखा दी और ये बता दिया कि इनका नाम महबूब है इन्होंने ट्रेन में कूद कर एक लड़की जो फंस गई थी ट्रेन में ट्रेन चलना शुरू हो गई थी उसका पैर फिसल गया वो ट्रेन के नीचे आ गई थी थोड़ी सी देर और कोई नहीं आता तो वो मर जाती महबूब ने जब ये देखा ये कारपेंटर हैं पेशे से जब इन्होंने देखा कि एक लड़की ट्रेन में फंसी हुई है तो ये कूद गए फ़ौरन और उस लड़की का सर नीचे कर दिया और खुद भी लेट गए और उस लड़की को तब तक नीचे रखा जब तक पूरी ट्रेन ट्रेन गुजर नहीं गई और अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने उस लड़की की जान बचा ली इसीलिए मीडिया जो है ना वो इनको नहीं दिखाएगा क्योंकि अगर मीडिया ने इनको दिखा दिया तो दाढ़ी है चेहरे पर सर पर टोपी लगी हुई है कुर्ता पाजामा पहने हुए हैं लोगों को पता चल जाएगा कि अच्छा मुसलमान ये होते हैं क्योंकि अब तक पूरी दुनिया में मेहनत इस बात पर हो रही है कि देखो दाढ़ी मतलब दहशतगर्द आतंकवादी सर पर अगर टोपी है तो मतलब ये कि ये कट्टरवादी है कुर्ता पाजामा पहना हुआ है तो ये कत्ल करने वाला है ये इंसानों से नफरत करता है ये इंसानों का दुश्मन है इस तरह से मैन स्ट्रीम मीडिया ने मुसलमानों को पूरे इंडिया के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर इस तरह से मुसलमानों को और इस्लाम को दिखाने की कोशिश हो रही है असल में इस्लाम ये है ये जो महबूब भाई ने जो काम किया है ना जान पर खेल कर उस लड़की को बचा लिया ट्रेन के आगे खुद कूद गए वो भी ऐसे टाइम पर सन 2022 में आपको आपको पता है कि अगर कोई मर रहा हो ना तो सौ लोग खड़े होकर उसकी वीडियो बना रहे होते हैं उसको बचाने के लिए कोई आगे नहीं बढ़ेगा मैंने देखा है कि एक आदमी गिर गया बाइक से गिर गया वो तड़प रहा है वो पानी मांग रहा है वो बोल रहा है भाई मेरे घर पे कॉल लगा दो मुझे बचा लो मेरी हेल्प कर दो सौ लोग खड़े हैं सौ लोग गुजर रहे हैं लेकिन कोई उसकी हेल्प के लिए आगे नहीं बढ़ेगा कोई उसकी हेल्प के लिए आगे नहीं बढ़ेगा इस्लाम कहता है कि मदद करो मजबूरों की बेसहाराओं को सहारा दो गरीबों की मदद करो भूखों को खाना खिलाओ मजलूमों की मदद करो कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वमन अहयाहा फ़कमा अह जमीअ कि जिसने एक इंसान की जान बचाई तो ये इतना बड़ा सवाब का काम है जैसे उसने जैसे उसने दुनिया के सारे इंसानों की जान बचाई जैसे सारी इंसानियत को उसने बचा लिया रसूल अलैहि वसल्लम ने हदीस में इरशाद फरमाया कि देखो जानवरों को पानी पिलाओ पिलाओ वो हदीस है ना कि एक औरत ने एक प्यासा कुत्ता देखा कुएं पर गई कोई बर्तन वगैरह नहीं था जिससे पानी निकाल कर कुत्ते को पिलाए तो उसको कुछ समझ नहीं आया उसने अपना मोज़ा उतारा और कुएं में डाला और मोज़े में जब पानी आया तो कुत्ते के मुँह में नहीं दिया मोज़े को कुत्ते की प्यास बुझ गई अल्लाह तला ने उस औरत की मख्त फरमा दी रसूल्ला सल्ला वसलम ने इंसानों के इंसानों के जानवरों के भी हकूक बयान फरमाए फरमाया कि देखो जानवरों को वक्त पर खाना खिलाओ और पूरा खाना खिलाओ अच्छा खाना खिलाओ जितना वो वजन बर्दाश्त कर सकते हैं उतना ही वजन उन पर डालो लिमिट से ज्यादा उन पर बोझ मत डालो रसूल सल्हस ने इशात फरमाया कि पड़ोसी अगर तुम्हारा भूखा है तो तुम पेट भर के खा रहे हो ना ये मेरा तरीका नहीं है तुम खा रहे हो और तुम्हारा पड़ोसी अगर भूखा है तो वो मुसलमान नहीं है बल्कि तुम्हें तो अपने पड़ोसी की फिक्र रखना चाहिए तो मेरे अजीज भाइयों मेरी बहनों और मैं अपने तमाम गैर मुस्लिम भाइयों और बहनों को यह बता देना चाहता हूँ ये इस्लाम है जो आपको मीडिया दिखाता है वो इस्लाम नहीं है जो आपको पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों की और इस्लाम की तस्वीर दिखाई जा रही है वो इस्लाम और मुसलमान नहीं है बल्कि अगर आपको इस्लाम को जानना है अगर आप ये जानना चाहते हो कि मुसलमान किसको कहते हैं एक तो एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिस्ट्री पढ़ लो और मैं अपने मुसलमानों से यह कहना चाहता हूँ कि आप इस्लाम को ए से लेके जेड तक अपनी ज़िंदगी में उतार लो सुबह से शाम तक रात से सुबह तक चौबीस घंटे की ज़िंदगी तुम तो इस्लाम के मुताबिक गुजारना शुरू कर दो ताकि मीडिया गलत तस्वीर मीडिया इस्लाम को गलत तरीक़े से पूरी दुनिया के अंदर दिखा रहा है ख़ास तौर पे हमारे इंडिया का मीडिया हर गलत चीज़ को मुसलमानों से जोड़ना हर गलत लोगों को मुसलमानों से जोड़ना जहाँ डाढ़ी टोपी वाला नज़र आया तो किसी ना किसी तरह से उसको गलत तरह से पेश करना हालांकि हर का, हर सोसाइटी के अंदर कुछ गलत लोग होते हैं मुसलमानों में भी होते हैं गैर मुस्लिमों में भी होते हैं हर फील्ड के अंदर होते हैं हर हर एक फील्ड के अंदर गलत लोग होते हैं लेकिन उन गलत लोगों को आप सब पर थोप दो और ये कहने लगो बस सारा का सारा मुसलमान गलत ना ये गलत है इसी मेरे अज़ीज़ भाइयों हम लोग इस्लाम को फॉलो करें क्योंकि जब हमारी ज़िंदगी इस्लाम के मुताबिक होगी तो फिर मीडिया कितना ही गलत तरीक़े से मुसलमानों को पेश करने की कोशिश करे इस्लाम के बारे में कितनी ग़लत फहमियाँ फैलाए लेकिन हमारा अमल जब गैर मुस्लिम देखेगा तो फिर इन शाह वो इस प्रोपेगंडे में नहीं आएगा अल्लाह का शुक्र है कि हमारे अब वाले साहब के जो दोस्त हैं गैर मुस्लिम कल भी वो आए तो मस्जिद में आए मस्जिद देख के खुश हो गए अरे ये मस्जिद इतनी जबरदस्त बन गई अरे वाह वाह वा, माशा अरे मुफ्ती साहब माशा माशा और मैंने उनको नीचे भी नहीं बुलाया वो खुद ब खुद जो है ना डायरेक्ट जहां मैं नमाज पढ़ा रहा था मुसल्ले पर वहां खुद आ गए अरे माशा बहुत अच्छा है बहुत खूबसूरत मस्जिद बन रही है हम उनके यहाँ जाते हैं तो वो हमें जब कभी पानी पीना होता है रास्ते में कोई मंदिर पड़ा वहां हम पानी पी लेते हैं क्योंकि वो लोग समझ रहे हैं क्योंकि वो हमें जानते हैं वो हमारा अमल देखते हैं तो मेरे अज़ीज़ भाइयों इस्लाम ही है गैर मुस्लिम भाइयों और बहनों से मैं कहना चाहता हूँ इस्लामी है जो आपको दिखाया जा रहा है जो आपको बताया जा रहा है जो आपको सुनाया जा रहा है वो इस्लाम नहीं है इसके लिए शेयर करें दूसरों तक पहुँचाएँ असल वरहम की नमाज़ पढ़ के आ रहे थे तो ट्रेन मालगाड़ी चल रही थी तो मंदिर हो गई मंदी होने के बाद से एक लेडीज आ रही थी तो हम निकलने के बाद निकले तो शिशान भाई निकले तो ट्रेन चालू हो गई थी बीच में वो लेडीज फंस गई थी तो उस लिहाज से वो है ना वहाँ पर मतलब उनका हाथ जो था ट्रेन के पास था सर भी करीब था पनय के करीब था तो उसकी वजह से एकदम हमने देखा कि यार ये मुसीबत में तो एकदम मेरे को कुछ तो समझ में नहीं आया मैं उनकी जान बचाने के लिए कूद गया लेकिन क्या हो सकता है मेरी बहन भी होगी कोई भी हो सकता अपना अपना ही हो या दूसरा होता है मैंने सोचा कि एक इंसानियत के नाती उनको मतलब मदद की ज़रूरत तो है अपन